दे रहे हैं तो उसी के सब पालन में हम एक मिनट सब पालन करेंगे। सबसे खराब हो जाइए है। हम लोगों का हमारे जो गांधी जयंती है 2 तारीख को जी, उसके लिए यहाँ पर मीटिंग बुलाए थे हम लोग प्रधान उप प्रधान अंचल प्रेसिडेंट। उसके बाद 3 तारीख को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे MGNRS का रुपया हमारे पश्चिम बंगाल का बंद करके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, आवास योजना का रुपया और भी फंड का रुपया बंद करके रखा है उसी के इसमें आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे। पूरे 14 अंचल का प्रधान उप प्रधान अंचल प्रेसिडेंट शाखा सेल के ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारे कोर कमेटी के सीनियर लीडर सभी को यहाँ पर थे आज। और हमारे बीच में जो हमारे राही साहब नहीं हैं, जो हमारे बहुत ही होनहार प्रधान थे पंजीपरा के, हमारे राही साहब बहुत ही अखलाकमंद, उनके हम लोग यहाँ पर एक मिनट शोक बनाए उनके लिए और उनका उनके लिए दुआ भी किए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और ख़ास करके उनका जो स्विचर है बा जो उसको करवाया है, जो गोली करवाया है, जो गोली किया है, उन लोगों को कड़ा से कड़ा सजा मिले। आज उसी इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे मीटिंग में। और मीटिंग में हम लोग का आज सभी अंचल प्रेसिडेंट को हम लोग निर्देश दिए, हमारे प्रधान को निर्देश दिए कि आप लोग 2 तारीख को गांधी जयंती आप लोग धूमधाम से मनाइएगा। उसके बाद आपका 3 तारीख को जॉब कार्ड होल्डर आवास योजना का जो पैसा बंद करके रखा है उन लोगों का उन बेनिफिशरी को लेकर के सबको लेकर के प्रत्येक अंचल में हम लोगों का LED पर्दा में हम लोग हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सांसद अभिषेक बनर्जी का हम लोग जो भाषण होगा वहाँ पर दिल्ली में उनका हम लोग भाषण सुनेंगे LED पर्दा में। और जितने भी जॉब कार्ड होल्डर है उन लोग भी रहेंगे, आवास योजना का जिसका नाम है उन लोग भी रहेंगे उस प्रोग्राम में। आज उसी का यहाँ पर मीटिंग था। सर ये आंदोलन आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत दिन से जारी रखे हैं, अभी तक क्या नतीजा निकल के आया है? देखिए क्या नतीजा निकलेगा, ये सेंट्रल सरकार ये सिर्फ अहंकारी सरकार, अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का काम तो कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ जातिवाद में उतर जाते हैं। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, आदिवासी भाई, क्रिश्चियन भाई, ये सब लेकर के उन लोग उलझ गए हैं। सेंट्रल सरकार डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारत जो आज पीछे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो डिप्रैक हो रहा है आम आदमी, उनके बारे में कोई सोच विचार उन लोगों का है नहीं। अच्छा बताइए, पहले हमारे 14 अंचल हैं ग्वालपोखर में, अगर एक अंचल में काम ना हो तो बदनाम किसका होगा? ब्लॉक का होगा, ब्लॉक का होगा। तो इस तरह से भारत में हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट में रुपया दे रहे हैं और बंगाल में रुपया बंद करके रखे हैं। आज बंगाल डिफ्राइड होगा तो हिंदुस्तान डिफ्राइड नहीं होगा, हिंदुस्तान की बदनामी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारे मोदी साहब को सुनाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए सुनाई देने के लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सब बेनिफिशरी को लेकर के और जितने भी MLA MP है, जितने भी हमारे चेयर होल्डर हैं सबको लेकर के दिल्ली में धरना देंगे। गांधी जयंती भी हम लोग मनाएंगे और गांधी मूर्ति के पास हम लोग धरना भी देंगे हमारे पश्चिम बंगाल के फंड के लिए। पश्चिम बंगाल से अभी तक कितने लोग वहाँ पर पहुँचे सर दिल्ली में? आप देखिए मीडिया के जरिए देखिए, व्हाट्सएप के जरिए देखिए कि कितने आदमी पहुंच गए हैं वहां पर। अगर आदमी हम लोग देखिए कितने आदमी पहुंचेंगे हम लोगों को खुद पता नहीं है। हम लोग एक ट्रेन हमारे बुक किए थे हम लोग कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए, कितना सुतलापन, कितना अहंकार कि आदमी सबको ले जाने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया सेंट्रल सरकार।
लेकिन तब भी हमारे आदमी, हमारे बेनिफिशियरी जो है, हमारे जो आवास योजना के बेनिफिशियरी है, हमारे जो जॉब कार्ड होल्डर का बेनिफिशियरी है, बस में छूट करके निकल गए दिल्ली। इसी का नाम है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगा? ये लड़ाई जब तक हम लोगों का फंड नहीं देगा तब तक जारी होगा, और 2024 में उनको बता दिया जाएगा कि पब्लिक का मार किस तरह लगता है, जनता का मार किस तरह लगता है, 2024 में उनको जवाब मिल जाएगा। एक टुकड़े उठाओ, खुद हल्का पैस दे दे। जैसा कि अभी संजू जी कहा, ब्लॉक कमेटी का मीटिंग को कम से कम तीनों जिलों में घुमा घुमा के करने से थोड़ा सा अच्छा होगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक जोन हो गया जिसमें भी प्रधान प्रधान यहाँ पर हाजिर हुए हैं, आप लोगों से गुजारिश है तो ब्लॉक कमेटी का जो निर्देश रहेगा, जो ऊपर से जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है, उन सबको मिलकर जो अंचल के लिए जो ऑर्डर होगा उस पर भी अमल करना है। और जहाँ तक सवाल है ये गांधी जयंती का, उसमें भी हम लोगों को सबको मिलजुल कर प्रोग्राम को खत्म करना है, और मैं बहुत प्रचंड साहब से गुजारिश करूँगा।